गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा सात में विषय नागरिक शास्त्र अध्याय दो मौलिक अधिकार कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांत इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो इनको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल अधिकार है, भारतीय नागरिकों के ये मूल अधिकार हैं और इन्हें भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, सभी को प्रदान किए गए हैं, इसलिए ने मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक अधिकारों की संख्या छह। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या सात थी। एक मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है और वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो प्रेजेंट टाइम में आपके छह अधिकार बचे हुए हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, चाहे वह किसी भी जात धर्म का हो, उसे समान अवसर और शिक्षा में और उसकी उन्नति में समान अवसर प्रदान किए गए। इसीलिए यह अधिकार जो समानता का अधिकार है, यह भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हुए भारत को सुदृढ़ बनाता है। अगला आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्रताएं हम आपको बता रहे हैं। पहली स्वतंत्रता है आप अपना रोजगार भारत के किसी भी स्थान पर जाकर कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में अपना निवास स्थान बना सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में अपनी नौकरी कर सकते हैं और अपना जो उद्गार है उसे बोल करके प्रकट कर सकते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। अगला है आपका तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अधिकार हमारे संविधान ने महिलाओं गरीबों और बच्चों के लिए प्रदान किया है। भारत में महिलाओं बच्चों और गरीबों के साथ
शोषण होता था, दासता प्रचलित थी पहले पुराने समय में। इस अधिकार को प्रदान करने के बाद हमारे बच्चों को, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को अगर कहीं पर शारीरिक श्रम परिश्रम करते हुए पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है और 14 साल तक के बच्चों के लिए सरकारों ने शिक्षा अनिवार्य कर दी है। महिलाओं के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या धर्म से क्यों ना हो, उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत के किसी भी कोने में कर सकता है और अपने त्योहारों को अपने अनुसार मनाने के लिए स्वतंत्र है। यही हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रदान की है। अगला नंबर सांस्कृतिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार भारतीय संविधान में यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भाषाई व्यक्ति को, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कई प्रकार की लिपियां हैं, तो इस अधिकार के तहत हम अपनी भाषा और अपनी लिपि को बढ़ाने के लिए या उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारी शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार हो गया। छठा है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही अधिकार है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसके तहत यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किसी भी व्यक्ति, सरकार या राज्य द्वारा किया जाता है तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह हमारे समस्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम मौलिक अधिकारों की बात किए, कल हम कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।